गढ़वा के महिला के साथ यौन शोषण के मामले में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कल एक बयान दिया कि इजहार अंसारी के द्वारा 20 साल तक यौन शोषण किया गया। इस पर 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि यह न्यायिक मामला है, जांच का विषय है, इस मामले में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनाव के समय केवल हिंदू मुस्लिम करने का कार्य करते थे, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जो गढ़वा रंग का विधानसभा में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि एक ब्राह्मण भी हैं, हम लोग रंका राज परिवार से आते हैं, ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा कदर करते हैं, लेकिन जब किसी चीज का अंत होता है तो क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाना पड़ता है। तो जब एक उनका बयान देखे कि एक महिला के साथ 20 साल से यौन शोषण चल रहा है और यौन शोषण करने वाले इजहार अंसारी हैं, और 20 साल पहले न यहाँ पर नितेश सिंह थे राजनीति में, न यहाँ पर मिथिलेश कुमार ठाकुर थे राजनीति में, लेकिन गढ़वा में कहीं गड्ढा हो गया तो मिथिलेश ठाकुर दोषी, कहीं हत्या हो गया तो मिथिलेश ठाकुर दोषी, किसी का पेट खराब हो गया तो मिथिलेश ठाकुर दोषी, लंबा लंबा मीडिया के सामने हाथ के और रंका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के जनता को बेवकूफ बना के और अपने पार्टी के केंद्रीय नेता का टीआरपी बढ़ा के ट्विटर करवाने का काम करते हैं झूठा, जिस तरह से हेमंत सोरेन को इन लोगों ने झूठा जेल भेजा और बाद में कोर्ट बोला कि कोई तथ्य नहीं है, तो इन लोगों को हिंदू मुसलमान जाति हरिजन आदिवासी लेके बगला के ऊ